A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be discussing the part 3 of specimen paper of literature for class 12 ISE for their 2024 examinations. We have already done the objective part, the short answers part, and now we'll be doing the part of, and we have already done the Tempest also. Now we'll be doing Echoes. Iske baad the next video will be of Reverie. Theek hai, there are a few things apart from sending this PDF on Telegram. Bahut sari cheeze jo humko aapko isi video mein hi batani hai, to please do watch this video, it's very important. Sabse pehli cheez ki there would be some questions ki hum jo bhi ये सब टेक्स्ट है वो कहाँ से बनाते हैं, कहाँ से आई यूज इट, मतलब व्हाट वेबसाइट्स. ऑब्वियसली खुद तो हम इतना नहीं, आई कैन नॉट डू दैट, तो आई एम नॉट अ राइटर. ठीक, तो देयर आर टू वेबसाइट्स जो हमने देखी थी जिसकी हेल्प आप ले सकते हो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. एक मैंने देखी थी लिट चार्ट्स. ठीक, एक क्वेश्चन भी हमने उसी से ही बनाया है थोड़ा थोड़ा करके. वन आई हैव टेकन इज लिटबग. आप इन दोनों का ही कंटेंट देखोगे ना तो यू विल फाइंड इट वेरी नाइस. इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन और एनीथिंग, बट हाँ, जस्ट बिकॉज आई एम अ टीचर आई वुड लव टू सी माय स्टूडेंट्स वर्किंग हार्ड एंड इम्प्रूविंग इन देयर एग्जाम्स एंड रिजल्ट्स. तो आप ये दोनों वेबसाइट्स को चेक करना व्हेनेवर यू आर फाइंडिंग सम समरी एंड एनालिसिस, क्योंकि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर्स नहीं मिलेंगे, आप आके पकाए कि हम वही लिख देते हैं, बट द समरी एंड एनालिसिस बस आप उनको लेकर के रीड करना ऑफ वट एवर द स्टोरी ऑफ पोएम. हो सकता है कि किसी का किसी में मिले, किसी का किसी में ना मिले, तो समरी और एनालिसिस लेकर के उसको पढ़ना. तो नाउ वी विल मूव टुवर्ड द पार्ट 3 ऑफ द क्वेश्चन. वी ऑलरेडी डिड, आई ऑलरेडी सेंड यू दिस पीडीएफ ऑन टेलीग्राम. आज आई विल बी सेंडिंग यू द सॉल्यूशन ऑफ द पेपर. ठीक, जिसमें सबसे पहले इज इकोज. नाउ इकोज में द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ बी वर्ड्सवर्थ. क्या बोला गया है क्वेश्चन में, यू हैव टू डिस्क्राइब थ्री वेज इन विच बी वर्ड्सवर्थ इन्फ्लुएंस द नरेटर्स थिंकिंग. नरेटर की थिंकिंग को बी वर्ड्सवर्थ कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा था, एंड यू हैव टू राइट इट इन अ शॉर्ट पैराग्राफ. मतलब आपको पॉइंट्स में नहीं लिखना है, बल्कि मैंने पॉइंट्स में लिख दिया, तो यू कैन जस्ट मर्ज इट इन टू वन पैराग्राफ. एक ही है, अ शॉर्ट पैराग्राफ, वन पैराग्राफ ऑफ 100 to 150 words. ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा आंसर हमने लिखा है, बट यू कैन शॉर्टन इट अकॉर्डिंगली. Try not to exceed the word limit. तो इसका जो आंसर है इट इज हेयर. ठीक, द सेम क्वेश्चन इज रेयर. दे हैव आस्क्ड थ्री वेज इन विच द बी वर्ड्सवर्थ हैज इन्फ्लुएंस. सो हम लोग उसी को ही पढ़ेंगे एक एक करके. ओके, तो फर्स्ट वन इज द नरेटर इन बी वर्ड्सवर्थ हेड फॉर हिज वन रूम राउंड. अब सबसे पहले जो पार्ट था वो यहाँ पर दिस आई हैव टेकन, कि जब वो लोग उसके घर जाते हैं, विच लुक्स रादर वाइल्ड एंड सराउंडेड बाय मैंगो कोकोनट. आप चाहो तो ये मेंशन करो या ना भी करो, वहां पर नरेटर जो है उसने 6 मैंगोज कंज्यूम कर लिए थे, और वो अपनी शर्ट को जो स्टेन कर लेता है, ड्यू टू विच ही गेट्स थ्रैश्ड बाई हिज मदर वेन ही रीचेज होम. और उसके बाद वो वापस बी वर्ड्सवर्थ के घर चला जाता है. वहां पर ही कम्फर्ट्स हिम, टेक्स हिम ऑन अ वॉक, एंड वहां पर दे स्टार्ट लाइंग ऑन द ग्रास एंड सीइंग गेजिंग द नाइट स्काई. ठीक है, पहली चीज कि जस्ट बिकॉज कि जो कम्फर्ट उसको अपनी मदर से नहीं मिल रहा था, द सेम थिंग He was finding from B. Wordsworth. तो यहाँ पर भी उसका जो झुकाव है, inclination, it's more towards B. Wordsworth. दूसरी चीज, मतलब this also can be an analysis. उसके बाद वो वहां पर when they were gazing night sky, वो उसको बोलता है किट को टू थिंक हाउ फार. सोचो कि ये जो स्टार्स हैं ये हमसे कितना दूर है. वर्ड्सवर्थ बोल रहा था और ये सारी चीजें, he was just thinking. ओके, और उसके इसका जो इम्पैक्ट है यंग माइंड पे क्या पड़ रहा था. तो यू हैव टू फाइंड सच थिंग्स, सच कोट्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. जैसे आई डिड, सॉरी, एज ही टोल्ड मी, जैसे उसने बोला मैंने किया, आई सॉ व्हाट ही मेंट, आई फेल्ट नथिंग, एंड एट द सेम टाइम आई हैड नेवर फेल्ट सो बिग एंड ग्रेट इन माई लाइफ. आई फॉरगॉट ऑल माई एंगर एंड माई टीयर्स एंड ऑल माई ब्लोस. तो ये जितना भी दुख दर्द पीड़ा थी मुझे, कि मुझे मार पड़ी है, वो सब मैं भूल गया. ठीक है, तो दिस वॉज वन ऑफ द थिंकिंग दैट ही वॉज
हैविंग दूसरा पॉइंट, आप इसको अपने अकॉर्डिंग शॉर्टन कर सकते हो, कट कर सकते हो, समरी में लिख सकते हो, जैसे भी. सेकेंड पॉइंट, वर्ड्सवर्थ सीम टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड फिल्स द बॉय विद वंडर एंड ऑ. दिस इज व्हाट द नरेटर हैज टू से अबाउट वर्ड्सवर्थ आउटलुक. और यहाँ पर वर्ड्सवर्थ का आउटलुक कैसा था, उसके बारे में नरेटर क्या कहता है, दिस इज अनदर एग्जाम्पल. ही डिड एवरीथिंग एज ओ ही वर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. कभी भी वो कहीं पर भी जा रहा है या कुछ भी खा रहा है, एनी ऑफ द थिंग्स ही यूज्ड टू डू, वो जब भी जितने भी स्ट्रीट के नेम वहां पे दिखाए गए थे कि वो उसके साथ यहाँ गया यहाँ गया, इवन गेजिंग ऑन द स्काई, गेजिंग द स्काई और द स्टार्स, तो वो ऐसे लगता था कि हर बार वो पहली बार वो चीज कर रहा है. द वर्ल्ड बिकेम अ मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस नरेटर के लिए. उस टाइम पर जो दुनिया थी वो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग प्लेस बन जाती है, बिकॉज कि ही वॉज विद द नरेटर. दिस इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ द नरेटर दैट वॉज चेंज बिकॉज ऑफ बी वर्ड्सवर्थ. थर्ड पॉइंट था, जब उसको पता है, किसको, बी वर्ड्स को पता है एकदम लास्ट में कि उसका जो एंड है, ही इज जस्ट अबाउट टू डाई, वो अपना एग्जिस्टेंस यंग बॉय नरेटर के माइंड से हटाना चाहता है. ठीक है, तो वो क्या करता है, व्हाट ही डज इज ही ट्राइज टू इरेज द थिंग्स. वो कहता है बाय सेइंग कि एवरीथिंग जो भी उसने बोला है इज अ लाई. आफ्टर हैविंग एक्सप्रेस हिज प्रिंसिपल्स टू द पर्सन थ्रू दिस स्टोरी, वो क्या करता है, ही ट्राइज टू इरेज अ मेमोरी फ्रॉम द वेरी पर्सन माइंड सो एज टू रिलीव. और इसके कारण उस पर भी यही सेम चीज का अफेक्ट हुआ था, दैट लास्ट में उसको लगता है दैट द पर्सन वॉज नेवर देयर. हम लोग भी स्टोरी पढ़ते हैं एज अ रीडर, तो हम लोग को लगता है कि दिस वॉज सम सॉर्ट ऑफ ड्रीम जो उसने देखा था. तो इट इज समथिंग दैट ही वॉन्ट टू रिलीव हिम फ्रॉम द बर्डन ऑफ मिसिंग समवन एंड अलाउ हिम टू एक्सप्लोर लाइफ इन हिज ओन टर्म्स. अब इसका जो कोट है, दिस यू विल राइट ऑन योर ओन, कि नरेटर को जब ही वॉज ट्राइंग टू से कि जो भी मैंने बोला है सब झूठ है, तो उस टाइम नरेटर की क्या फीलिंग थी, दिस यू हैव टू राइट हियर एज अ कोट. ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ लिटरेचर. ओके, तो द क्वेश्चन सेज व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज अ रीजन की मिसेस मिलार्ड की डेथ हुई, क्यों हुई, आपके अकॉर्डिंग उसका क्या रीजन है. और आपको ये भी एक्सप्लेन करना है कि उसका डेथ जो है वो आयरोनिक क्यों है. देखने को तो दोनों ही सेम सेम क्वेश्चन ही है, साथ में मर्ज किए हुए हैं, कैसे अलग करेंगे, आई इवन डोंट नो. तो वट आई हैव जस्ट फाउंड दैट आई एम टेलिंग यू कि यहाँ पर वो पूछा है, देखो दो पार्ट्स पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में, कि आपके अकॉर्डिंग मिसेस मिलार्ड की डेथ का रीजन क्या था और उसकी डेथ जो है वो आयरोनिक कैसे है, आयरनी कैसे. आयरनी समथिंग दैट इज शोन इज टोटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट एक्चुअली हैपनिंग देयर. ओके, फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ लेना, यू कैन फाइंड इट इन द वीडियो, मस्ट वॉच डीवा क्लासेस, फिगर्स ऑफ स्पीच ढूंढोगे मिल जाएगा. मिसेस लुइस मिलार्ड्स डेथ वॉज रूल्ड, मीन्स इट वॉज सेट टू बी अ हार्ट डिजीज, डॉक्टर्स ने उसको बोला आफ्टर हर कोलैप्स. उन्होंने बोला दैट इट वॉज अ जॉय बिलीविंग, ये समझते हुए कि शी वॉज, वो बहुत खुश थी बिकॉज ऑफ द इमोशन ऑफ सीइंग हर प्रिज्यूम्ड डेड, पहले से जो डेड हस्बैंड है उसको देख करके हर हार्ट कुडंट फिजिकली हैंडल इट. बट एक्चुअल में वॉट वॉज द रीजन दैट वी फाउंड वॉज दैट मिसिज मिलार्ड डाइज या डाइड पास्ट टेंस में. मेरे को पहले देखो क्वेश्चन किस टेंस में पूछा गया है, सेम टेंस यू हैव टू फॉलो. हाँ, प्रेजेंट टेंस में पूछा गया है तो राइट इट इन प्रेजेंट टेंस ओनली. इज पूछा, इज लगाए तो इज ही यूज करो. डाइज ऑफ अ हार्ट, ब्रोकन हार्ट. अब एक्चुअल में क्या रीजन था, शी डाइड ऑफ अ ब्रोकन हार्ट क्योंकि उसका जो हस्बैंड इज एक्चुअली अलाइव. उसने सोचा शी शुड बी हैप्पी, उसको खुश होना चाहिए कि उसका हस्बैंड अलाइव है, बट इंस्टेड वो दुखी थी एंड सैड थी. वाई, बिकॉज उसको पता है कि उसकी लाइफ जो है वो फिर से होपलेस हो जाएगी. ठीक है, जब डॉक्टर्स ये तय करते हैं दैट शी डाइड, ये सेकेंड पार्ट उसका आयरनी वाला, आप इसको अगेन शॉर्टन करके वन पार्ट में लिख सकते हो. जब डॉक्टर्स ने ये डिटरमाइन किया कि शी डाइड ऑफ द हार्ट डिजीज ऑफ जॉय दैट किल्स, रीडर तुरंत समझ जाते हैं, हम लोग तुरंत समझ जाते हैं कि ये जो है ये क्यों है, बिकॉज रिकॉग्नाइजेस द आयरनी. इट सीम्स क्लियर दैट
हर शॉक वॉज नॉट ऑफ जॉय, उसके हस्बैंड के सर्वाइवल पे जो जॉय था उससे वो नहीं मरी थी, शी डाइड क्योंकि वो डिस्ट्रेस में थी, क्योंकि उसको जो उसकी चेरिश्ड न्यू फाउंड फ्रीडम है वो फिर से खोनी पड़ेगी. शी ब्रीफली एक्सपीरियंस जॉय, बहुत छोटे समय के लिए उसने जॉय को एक्सपीरियंस किया था, द जॉय ऑफ इमेजिनिंग हरसेल्फ इन हर हरसेल्फ इन कंट्रोल ऑफ हर ओन लाइफ, और इसी के कारण इट वॉज द रिमूवल ऑफ दैट इंटेंस जॉय जिसके कारण शी डाइड. दिस वॉज वॉट द आयरनी एक्चुअली वॉज, उनको डॉक्टर को लग रहा था कि शी डाइड ऑफ सैडनेस, ऑफ हैप्पीनेस दैट किल्ड हर, बट हमें हम लोग को पता था कि वो दुख से मरी थी, खुशी से नहीं मरी थी. ओके देन अब आते हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक्चुअली आपसे पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं अलोंग विद द कोट्स. तो सबसे पहली चीज मतलब आप बाकियों में भले ही ना लिखो, यू विल गेट 4.5 और समथिंग, 4-5 समथिंग, बट इनमें इट इज नेसेसरी. द स्टोरी क्वालिटी इज अ कमेंट्री ऑन द टेंशन जो एक ट्रू क्राफ्ट्समैन और कॉमर्शियल एंटरप्राइज में होती है, ये मीन्स राइवलरी जो होती है, और यू हैव टू टेल विद रेफरेंस टू द लाइव ऑफ जेसलर ब्रदर्स एज पोर्ट्रेड इन द स्टोरी, मीन्स यू हैव टू गिव टेक्स्ट रेफरेंसेज ऑल्सो. ठीक, तो दैट यू विल मेंशन. अब आप इस पीडीएफ को प्रिंट आउट करवाओ या खुद से लिखो, बट द पोर्शन ऑफ राइटिंग कोट्स फ्रॉम द स्टोरी इज कंप्लीटली अप टू यू. अपने अकॉर्डिंग छोटा छोटा सा पार्ट उसमें लिखना, बी इट कीवर्ड्स और समथिंग. ओके, तो वी विल मूव टूवर्ड्स अ क्वेश्चन ऑफ जेसलर ब्रदर्स ऑफ क्वालिटी. ये जो स्टोरी है, द स्टोरी बाय गैल्सवर्दी, वो ऑब्वियसली एक कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द पैशन ऑफ अ डेडिकेटेड क्राफ्टमैन एंड द डिमांड ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन, जिसमें आपको शो ऑफ करना है, देयर इज मटीरियलिज्म, देन देयर इज अपियरेंस जो आपको दिखानी है, दैट इट इज डिसीटफुल, यू नीड टू गो फॉर एडवर्टाइजिंग, फॉर सेल्स प्रमोशन. तो यहाँ पर बोला गया है कि जो सेंट्रल कैरेक्टर है जेसलर ब्रदर्स, दे आर परफेक्टली एग्जेम्प्लीफाई दिस टेंशन, वो बहुत ही तरीके से इन चीजों को बताते हैं. जेसलर ब्रदर्स जो है वो स्किल्ड शू मेकर्स हैं, जो एक छोटी सी शॉप चलाते हैं इन द बिजी पार्ट ऑफ लंडन. They are very much proud of their craft and they are committed to producing the shoes of highest quality. जो एल्डर ब्रदर है, he is portrayed as an epitome of craftsmen, true craftsmen. He decides himself to do his work, investing जो भी अपना समय और एफर्ट है उसको खुद से इन्वेस्ट करके, और each pair of shoes को एक masterpiece बना करके वो लोग रखते हैं. उस his sole focus जो है वो आर्टिस्ट्री, कारीगरी पे है, परफेक्शन पे है. ही इज नॉट कंसर्न विद द फाइनेंशियल ग्रेन्स और मास प्रोडक्शन, भर भर के प्रोडक्शन करना, सेल्स प्रमोट, उस अपने प्रोडक्शन को प्रमोट करना, फाइनेंशियली गेन करना, बहुत प्रॉफिट पाना, वो उसका मेन मोटो नहीं था. यंगर ब्रदर जो है ही इज प्रिग्मैटिक, ही रिकॉग्नाइजेस द नीड टू केटर टू द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ द मार्केट. He adjusts the craftsmanship accordingly. He introduces certain modifications to his shoes. अपने shoes पे कुछ modifications लेकर के आता है. In respect of some quality, वो कहता है to make them more affordable and appealing to wide customer base. कि कभी कभी वो दिखा रहा था ना कि this is a Russian leather. तो ऐसे करके उसके जो decisions हैं, they are driven by the necessity of making a profit and surviving in the competitive environment. तो this was वो जो big firms वाला statement था वो यहीं से शुरू हुआ था. Tension जो थी वो two brothers में, it becomes apparent when the elder brother discovers the changes made to the shoes. He is deeply upset and disappointed, feeling कि जो essence of craftsmanship has been compromised, जो भी changes उस time पर हो रहे थे, उसको ये लगता है that they should maintain their dedication to quality, even if भले ही sale कम हो जाए, लेकिन आप quality maintain करके रखो. Younger जो है, he argues that they need to adapt to the market's demand to stay afloat, कि आपको भाई market में थोड़ा सा एडवर्टीज करना पड़ेगा अपना प्रोडक्ट. अल्टीमेटली जो स्टोरी है वो रिफ्लेक्ट करती है आर्टिस्टिक इंटीग्रिटी एंड कॉमर्शियल एंटरप्राइज को.
दैट कैन लीड इंटरनल स्ट्राइव विद इन द बिजनेस. एल्डर ब्रदर का जो अनवेवरिंग कमिटमेंट है टू द क्राफ्टमैनशिप इज एडमायरेबल. इट प्लेसेस द बिजनेस एट रिस्क इन द वर्ल्ड जहां पर प्रॉफिट जो है वो बहुत ज्यादा कंसिडर किया गया है. जो स्टोरी है दिस इज वेरी मच सैड रिमाइंडर ऑफ द चैलेंजेस दैट आर बीइंग फेस्ड बाय दोज आर्टिसंस. आप उसका थोड़ा सा रेफरेंस भी डाल सकते हो जहां पर वो उसकी शॉप को डिस्क्राइब कर रहा था, जहां पर वो तारीफ कर रहा था नरेटर कि उसके जो शूज हैं परफेक्टली फिट होते हैं, जितनी बार वो पहनता है उतनी बार फिट होते हैं, ठीक है, मतलब उतनी नाइसली. आप हर शूज लेकर कितनी बार वो उसके पास गया था, तो ये सारी चीजें उसमें आप यू कैन मेंशन दोस कोट्स. देन ड्रिवन बाय कंज्यूमरिज्म एंड मास प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन शुड बी अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर्स. वो फैशन मांगते हैं, वो मटीरियलिज्म मांगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग करो. देर शुड बी मास प्रोडक्शन. ऐसा नहीं कि ऑर्डर हुआ तब प्रोड्यूस करोगे, जब आप वेराइटी दिखाओगे कस्टमर को ओनली देन दे विल बी अट्रैक्टेड. इट एम्फसाइजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिजर्विंग ट्रू क्राफ्ट्समैनशिप एंड आर्टिस्टिक डेडिकेशन इन द फेस ऑफ कॉमर्शियल प्रेशर. देन मूविंग द लास्ट पार्ट, ये भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. तो विद रेफरेंस टू द सपोर्टिंग एविडेंस, शॉर्ट स्टोरी से आपको ये बताना है कि सिंगिंग लेसन में बेसिल के लेटर ऑफ रिजेक्शन का मिस मिडोज पर क्या असर हुआ. ठीक, दिस इज द फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज दोनों को इक्वल वेटेज आपको देनी है. आप उसको चाहो तो एक साथ मर्ज करके भी लिख सकते हो. अगेन इट इज द सेम थिंग, हाउ डज इट रिफ्लेक्ट देयर हर इंटरैक्शन, और ये जो उसकी दुख दर्द पीड़ा थी वो कैसे जब वो इंटरैक्ट कर रही थी विद द साइंस मिस्ट्रेस एंड द स्टूडेंट्स, तो ये चीज कैसे दिख रही थी, दिस यू हैव टू टेल. तो सबसे पहले स्टार्ट जहां से होता है स्टोरी जो है दैट इनिशियली Yes, one more thing, कि whenever you will write the story, आप अगर long answers लिख रहे हो 10 number के, तो initiate your story with the narrator और 2-3 line का वो कि आप who has written the story और कुछ भी उसके बारे में 2-3 सुंदर सा opening line हर chapter के लिए, यार story और poem के लिए prepare कर लो. long answer में 2-4 line तो सुंदर लिखनी होती है. तो द स्टोरी इनिशियली डिस्क्राइब्स मिस मिडोज डिस्पेयर बट नॉट द कॉज ऑफ इट. तो स्टार्टिंग में उसका दुख दर्द दिखाया गया है कि वो बहुत ज्यादा सैड है, बट उसका जो कॉज था वो नहीं दिखाया गया है. इट कुड हैव कॉम्प्लेक्स कॉजेज. और वो उस समय फील कैसे करी, शी इज सैड बरी डीप इन हर हार्ट लाइक अ विकेड नाइफ. वो जो उसके प्रॉब्लम्स है इट इज बरी डीप इन हर हार्ट लाइक अ विकेड नाइफ. ओके, then Mansfield shows ki jo what is there is contrast between Miss Meadows and the girls jo both are the rosy or blooming hai. Miss Meadows jo hai she is already becoming cold and aged like an autumn weather. Uska jo internal agitation hai, sabse pehle science mistress ke liye pucha gaya tha behavior, to her internal agitation is means anger is exposed जब साइंस मिस्ट्रेस उसको गुड मॉर्निंग विश करती हैं. She hated साइंस मिस्ट्रेस उस समय पर. उसको उसके जो हेयर थे, अपीयरेंस था, सब चीज से उसको मतलब एवरीथिंग वॉज अनोइंग टू हर. तो चार्म, ब्यूटी, फेक स्वीटनेस, हर चीज उसको चिड़न हो रही थी. उसको हर रिसेंटफुल रिप्लाई एक्सपोज्ड हर टर्बुलेंट इमोशनल स्टेट ऑफ माइंड. तो हेयर ऑल्सो यू विल बी राइटिंग द कोट्स. सेकेंड थर्ड पैराग्राफ में ही टेक्स्ट के दिया हुआ है कि वहां पर उसको कैसा लग रहा था जब ही साइंस मिस्ट्रेस, मतलब एकदम स्टार्टिंग में दिया हुआ है साइंस मिस्ट्रेस से वो मिली तो उसको कैसा लग रहा था. तो दिस यू हैव टू टेल, 2-4 लाइनें उसकी बता देना. दैट इन कोट्स शी सेड टू द साइंस मिस्ट्रेस, या डायरेक्टली आप लिख सकते हो दैट शी सेड टू द साइंस मिस्ट्रेस कोट्स में लगा करके. देन जब मिस मिडोज रीच द म्यूजिक हॉल तो शी वॉज फिल्ड विद एंग्विश. अगेन शी वॉज फिल्ड विद एंगर. उसने 2 बार अपने जो स्टिक थी उसे 2 बार उसने टैप किया फॉर साइलेंस. वहां पर उसका जो मैनरिज्म था दैट वॉज ऑल्सो टोल्ड दैट शी वॉज अपसेट. टीचर को देख करके बच्चे समझ ही जाते हैं कि उनका मूड कैसा है. आई नो दिस वेरी वेल. शी वॉज क्वाइट इनडिफरेंट
towards a lack of happiness, indifferent, the lack of interest towards the happiness of the young girls. She was apathetic to Mary Beasley, who used to greet her. Usko beautiful morning, usko morning with a beautiful chrysanthemum फ्लावर के साथ वो उसको विश करती है, बट इस टाइम उसने इग्नोर कर दिया मैरी बीजले को एंड उसको थैंक भी नहीं बोला एंड कोल्डली गर्ल से बोला कि तुम लोग ओपन करो पेज नंबर 14 एंड सिंग. व्हाट डू यू हैव टू सिंग? यू हैव टू सिंग अ लेमेंट. जो उसका चॉइस ऑफ सॉन्ग था वो भी ये शो कर रहा है दैट शी वॉज वेरी मच सैड एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ इंटरनल टर्मोइल. शी इंस्ट्रक्टेड अपने स्टूडेंट्स को कि आप गाओ और कैसे करके गाओगे. दैट एवरी नोट वॉज अ साई अ सॉब अ ग्रोन ऑफ ऑफुल मूनफुलनेस. कि योर एक्सप्रेशन शुड शो दैट यू आर सिंगिंग अ लेमेंट. द सैडनेस ऑफ द सॉन्ग इवन डीपेंड द इंटेंसिटी ऑफ अर ग्लूम. वो और दुखी हो गई. जो म्यूजिक था, जो टर्मोइल था, दैट वॉज रनिंग पैरेलल टू ईच अदर. शी वंडर्ड. अब वो सोच रही थी जब दिमाग में अपने कि Basil, what has forced Basil? Sorry, what has forced Basil to write such a harsh letter? While she was instructing, जब girls को वो बोल रही थी कि गाना गाओ, तो उसका जो दिमाग था, it was preoccupied with Basil's letter. दिमाग में उसके ये सब चल रहा था, क्यों उसने लिखा है और बार-बार वही सारी चीजें. और what she was troubled by the fact कि बेसिल डिड नॉट लव हर विद हिज फुल हार्ट. ओके, इससे वो चीज वो परेशान नहीं थी. वो इससे परेशान थी, आई डोंट माइंड कि हाउ मच इट इज, लव मी एज लिटिल एज यू लाइक. शी वॉज वरिड दैट इन केस दे कुड नॉट सोलमनाइज देयर मैरिज, अगर वो लोग शादी नहीं कर सकते तो उसको ये स्कूल छोड़ना पड़ेगा. बिकॉज ऑफ पीपल विल आस्क हर कि वॉट हैपन्ड and she has to go somewhere away from the science mistress taki usko jo bhi embarrassment hai wo na face karna pade. She is in fact in her heart lamenting, dukh mana rahi hai wo over the loss of love, trust and future hopes. She is unnecessarily severe with the young children, forcing them to redo the singing. ठीक है, दैट वॉज ड्राइविंग देम टू डिस्पेयर, पेन, टीयर्स दैट दे वर मैनेजिंग टू स्टिफल टू रेस्ट्रेन. रोक रहे थे अपने आंसू लेकिन फिर भी दे वर क्राइंग. तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट टू ऑफ लिटरेचर स्पेसिमेन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इतनी चीजें. वेर एवर यू फाइंड इट नेसेसरी, भर भर के 10 नंबर वाले क्वेश्चन में तो भर भर के कोड्स मेंशन किया करो एज मच एज यू कैन. एंड इट शुड बी स्मॉलर. चार लाइनें लिखने को कोई नहीं कह रहा है आपसे, क्योंकि नीदर यू विल बी एबल टू लर्न देम वर्ड टू वर्ड नॉर इट इज आस्क्ड और रिक्वायर्ड. क्वालिटी आंसर या हाई ऑर्डर आंसर आपसे सिर्फ यही कहता है कि छोटा छोटा सा पार्ट लिखो उसमें. राइट इट इन अ वे सो टैक्टफुली दैट द एग्जामिनर नोज दैट यू हैव लर्न और यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी वेल. इसीलिए हम कह रहे थे कि जो websites I told you in the beginning of the video, just go and read the stories from there. Unka jo content hota hai, it's too good for people so that they can fetch greater or a high order answer and good marks also. Theek hai, I hope you have understood this much. Kuch nahi samajha, you can mention it in the comment box. We'll be doing the part 3 reverie also soon. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.